आज हम रबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। रबर बहुत ही इम्पोर्टेंट मटेरियल होता है। हम लोग जानते हैं कि रबर जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा उसका रोल होता है। जितने मतलब बस, ट्रक, ये सब चीज़ों का जो टायर, ट्यूब सब रबर से बनता है, ठीक है। साइकिल टायर, गाड़ी का टायर, चप्पल, बेल्ट, ये सब चीज़ें। और ये नॉन कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर होता है, इसलिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का जो हैंडल होता है, सब चीज़ें रबर से बना होता है, ठीक है। टीवी, टेलीफोन, वाटरप्रूफ रेनकोट, एयर पिलो, रबर बैंड, बेलून, ये सब चीज़ें जो है वो रबर का बना होता है, ठीक है। तो रबर जो है एक टाइप की लेटेक्स होता है, मतलब प्लांट्स का जो बार्क होता है, छाल होता है, उस छाल से एक टाइप की लिक्विड निकलता है लेटेक्स, उसी से रबर बनता है। सबसे पहले रबर नाम दिए थे जोसेफ प्रिस्टले, ठीक है। जोसेफ प्रिस्टले एक साइंटिस्ट थे जिसने रबर नाम दिए थे। तो इंडिया जो है इसका रैंक है रबर उत्पादन में 4th। सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन पूरे वर्ल्ड में होता है थाईलैंड, 2nd मालवेशिया, 3rd इंडोनेशिया और 4th इंडिया, ठीक है। हमारी इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है केरला। केरला में जितने भी पूरे इंडिया में रबर का प्रोडक्शन होता है उसमें 90% जो है केरला में उसका उत्पादन होता है, ठीक है। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, आसाम, नागालैंड, गोवा, इस सब जगह में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा होता है 90% रबर प्रोडक्शन इंडिया में होता है केरला में, ठीक है। तो रबर क्या होता है? रबर जो है एक पॉलीमर, आइसोप्रीन हाइड्रोकार्बन का एक पॉलीमर होता है, ठीक है। आइसोप्रीन हाइड्रोकार्बन का पॉलीमर होता है। तो पॉलीमर मतलब लॉन्ग चेन, ऐसे बड़े बड़े बहुत सारे आइसोप्रीन हाइड्रोकार्बन जो है एक दूसरे से पूरे ज्वाइंट रहते हैं, इरेगुलरली अरेंजमेंट रहते हैं, ठीक है। इस टाइप से जो इतने सारे आइसोप्रीन यूनिट्स लॉन्ग चेन में जुड़ा रहता है, इसको बोला जाता है पॉलीमर, ठीक है, पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन हाइड्रोकार्बन। तो इस टाइप से रबर जो है एक टाइप का, इसको पॉलीटर्पिन भी बोला जाता है। और इस टाइप से इरेगुलर अरेंजमेंट होने के कारण इलास्टिक नेचर होता है। इसका नेचर कैसा होता है? इलास्टिक नेचर होता है, ठीक है। इसमें हाइड्रोकार्बन 92 से 94% रहता है, रेजिन 3% रहता है, प्रोटीन 2%, गम और अदर चीज़ें जो है 1 से 8% तक होता है, ठीक है। दो टाइप का रबर पाया जाता है, एक को बोला जाता है नेचुरल रबर, दूसरे को बोला जाता है सिंथेटिक रबर, ठीक है। नेचुरल रबर किसको बोलेंगे हम? जो प्लांट्स से निकलेगा, ठीक है, ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट मेटाबोलाइज, प्लांट से जो रबर निकलता है उसको बोला जाता है नेचुरल रबर। सिंथेटिक रबर किसको बोलेंगे? आर्टिफिशियल केमिकल कंपाउंड मिक्स रहता है, जिस रबर में बहुत सारे आर्टिफिशियल केमिकल कंपाउंड मिक्स किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंथेटिक रबर, ठीक है। रबर जो है नेचुरल रबर जो है उसका इलास्टिसिटी पावर जो है थोड़ा सा पुअर रहता है, उतना अच्छा नहीं रहता, और थोड़े से हीट, एयर, मॉइस्चर पाने से ही ये क्या हो जाता है? ख़राब हो जाता है, ठीक है। हम लोग देखे हैं कई रबर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा सनलाइट में रख देंगे इसे धीरे धीरे गल जाता है। इस टाइप का जो रबर होता है उस अच्छा नहीं रहता, ठीक है, कॉमर्शियली वो अच्छा नहीं रहता, इसलिए उसमें कुछ केमिकल्स जोड़ा जाता है जिससे कि वो रबर जो है उसका पावर बढ़े, रेजिस्टेंस पावर बढ़े, इलेक्ट्रिक इलास्टिसिटी पावर बढ़े, ठीक है। तो नेचुरल रबर जो है उसमें हाइड्रोकार्बन, प्रोटीन, रेजिन, शुगर, ग्लाइकोसाइड्स, टैनिन, एल्केलॉइड्स, गम्स, मिनरल सॉल्ट, वैक्स, क्रिस्टल्स पाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो हर रबर पार्टिकल जो है स्फेरिकल टू पियर शेप्ड होता है, स्फेरिकल टू पियर शेप्ड होता है। एक एक पार्टिकल रबर का, एक एक पार्टिकल को हम देखेंगे तो स्फेरिकल टू पियर शेप्ड होता है, ठीक है। इसमें 3 रीजन होता है, सबसे बाहर आउटर रीजन, उसके बाद मिडिल रीजन, सबसे अंदर होता है इनर रीजन, ठीक है। अब देखेंगे इनर, जो सबसे नीचे इनर रीजन जो होता है वो सेमी फ्लूड रीजन होता है, उसमें प्योर रबर हाइड्रोकार्बन रहता है। सबसे इनर रीजन जो है सेमी फ्लूड, ठीक है, उसमें प्योर रबर हाइड्रोकार्बन रहता है। मिडल जो है वो विस्कस रीजन बोलेंगे इसको, और सबसे ऊपर का जो
लेयर होता है और प्रोटेक्टिव प्रोटीन कवरिंग होता है, ठीक है, प्रोटीन से कवर रहता है बाहर का भाग, जिससे कि कोएगुलेशन नहीं हो पाता है, ठीक है, कोएगुलेशन कम होता है, इसीलिए बाहर का पार्ट जो है प्रोटीन से ढका रहता है और प्रोटेक्ट करता है। तो अब बहुत सारे प्लांट्स ऐसा होता है, ऐसा अभी तक 2000 से ज़्यादा स्पेसीज ऐसा पाया गया जो कि रबर का प्रोडक्शन करता है, जिस प्लांट से रबर बनता है, ठीक है, 80 प्लांट्स के 80 फैमिलीज ऐसा मिला जो कि रबर का उत्पादन करते हैं। एक है सीरा रबर, ठीक है, यूफोरबिएशी फैमिली का आता है, इंडियन रबर मोरेशी फैमिली में आता है, पानामा रबर मोरेशी फैमिली में आता है, पारा रबर यूफोरबिएशी फैमिली से आता है, ठीक है, भाइन रबर जो कि पेरिप्लोकेशी फैमिली में आता है, मेन मेन कुछ है, लेकिन 2000 स्पेसीज प्लांट्स का ऐसा है जो रबर का उत्पादन करते हैं। ये सब में पैरा रबर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं कॉमर्शियल लेवल में, ठीक है, उसका कॉमर्शियल लेवल में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बिजनेस पैरा रबर का ही होता है, ठीक है। पैरा रबर जो है सब में ऐसा माना जाता है कि वो ब्राज़ील में उसका ओरिजिन हुआ, ब्राज़ील में वो पैरा रबर सबसे पहले देखा गया, बाद में एशिया लाया गया 1876 में, एशिया लाया गया इसको 1876 में, और कौन एशिया में लाए थे, सर जोसेफ डाल्टन हुकर। ऐसा माना जाता है कि इंडिया में तो पैरा रबर को लाए थे सबसे पहले जोसेफ डाल्टन हुकर, ठीक है। तो पैरा रबर का जो प्लांट्स होता है 20 से 22 मीटर लंबे होते हैं, बहुत ही लंबे लंबे प्लांट्स होते हैं और 2 से 4 मीटर मोटाई होता है इसका, ठीक है। तो पैरा अब देखेंगे बॉटनिकल कैरेक्टर, बॉटनिकल कैरेक्टर में हम पैरा रबर को ही देख रहे हैं, ठीक है। 20 से 22 मीटर हाइट होता है, 2 से 4 मीटर इसका चौड़ाई होता है, बहुत बड़ा प्लांट होता है, ठीक है। तो इसका जो नीचे वाला भाग होता है, नीचे वाला भाग में ये नहीं होता, ब्रांचेस नहीं पाया जाता, ब्रांचेस ऊपर की ओर पाया जाता है, ठीक है। लोअर रीजन में मेन स्टेम का जो लोअर रीजन होता है उसमें ब्रांचेस नहीं पाया जाता। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन होता है, क्योंकि रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस जगह में होता है, अमेज़न वैली, ठीक है, अमेज़न वैली में होता है। अमेज़न वैली में किस टाइप का वातावरण रहता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी रहता है और बहुत ज़्यादा रेनफॉल भी होता है, ठीक है। 22 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है और 175 से 250 एनुअल रेनफॉल होता है, ठीक है। 6 से 7 साल का जब प्लांट्स हो जाता है उसके बाद से रबर उत्पादन शुरू होता है, उसके पहले रबर प्रोडक्शन नहीं हो पाता, 6-7 साल एज होने के बाद ही रबर का उत्पादन करता है, ठीक है। तो इस प्लांट्स को हम देखेंगे तो प्लांट्स जो है इसको बोलेंगे ट्राई फॉलिएट लीफ, जैसे बेल पत्ता होता है एक ही जगह से 3 पत्ती निकलता है, ट्राई फॉलिएट टाइप का लीप्स होता है और कॉम्पाउंड लीफ होता है। लीप के ऊपर का भाग जो है पॉइंटेड होता है, इसको बोलेंगे एक्यूट एपेक्स। इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्पाउंड रेसिम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, कॉम्पाउंड रेसिम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस होता है, ठीक है। फ्लावर छोटे छोटे फ्लावर होता है, एरोमेटिक मतलब सुगंधित होता है, ग्रीन कलर का होता है, इनकम्प्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट मतलब दो टाइप के फ्लावर होता है, एक मेल फ्लावर बोलेंगे एक को फीमेल फ्लावर बोलेंगे, ठीक है। एक फ्लावर में एंड्रोसियम रहेगा, दूसरे में गाइनोसियम रहता है, इस टाइप का फ्लावर जो है उसको बोला जाता है इनकम्प्लीट टाइप ऑफ फ्लावर, ठीक है। यूनिसेक्सुअल गाइनोसियम ट्राइकार्पिलरी, ठीक है, तीन टाइप के भागों में इस टाइप से गाइनोसियम जो है बैठा हुआ रहता है, ट्राइकार्पिलरी। एक्साइल प्रेजेंटेशन, एक्साइल प्रेजेंटेशन मतलब बीच में एक्सिस रहेगा, उसी से ओव्यूल निकला हुआ रहता है, इसको हम बोलेंगे एक्साइल प्रेजेंटेशन, ठीक है। बहुत ऊंचे ऊंचे प्लांट्स होते हैं, 20 से 22 मीटर हाइट, 2 से 4 मीटर चौड़ाई, ब्रांचिंग नीचे नहीं पाया जाता, ऊपर बहुत सारा ब्रांचेस रहता है, ब्रांच जो है ट्राईफोलिएट टाइप होता है और कॉम्पाउंड लीफ होता है, क्यूट एपिक्स होता है, छोटे छोटे फ्लावर होता है, ठीक है। फ्लावर कुछ मेल फ्लावर कुछ फीमेल फ्लावर होता है, बाईसेक्सुअल नहीं होता, ठीक है। इनकम्प्लीट होता है, गाइनोसियम टाइप कैपिलरी और इस टाइप का फल होता है इसमें,
ट्राइलोक्यूलर कैप्सूल रेगमा टाइप फ्रूट होता है, ठीक है, तीन भागों में बटा होता है, हर जो भाग है उसमें बड़े बड़े सीड्स पाए जाता है, ठीक है, इस टाइप को इसको बोला जाता है कैप्सूल टाइप फल। और ट्री जो है 200 साल तक जिंदा रहता है, ठीक है, इसका एज 200 इयर्स तक होता है। और ट्री में चीरा लगाया जाता है, रबर कैसे निकाला जाता है, ट्री के जो छिलका रहता है उसको चीरा लगाया जाता है, और चीरा कॉर्टेक्स का जो वेसल्स है वहाँ तक चीरा लगाया जाता है, उस जगह से लिक्विड जो है निकलता है, ठीक है। रबर प्लांटेशन जो है मोनो कल्चर टाइप होता है, इस टाइप के रो में कल्चर किया जाता है रबर प्लांट्स को, ठीक है, रो में रबर कल्चर किया जाता है। और इसका जो सीड्स होता है वो बहुत कम वायबल रहता है, मतलब सीड्स को ज़्यादा दिन हम स्टोर करके नहीं रख सकते, तुरंत सीड्स से प्लांट्स निकालना पड़ता है, ठीक है, ज़्यादा दिन तक सीड्स वायबल नहीं रहता, तुरंत प्लांटेशन करना पड़ता है। और प्लांट्स को ऐसे रो में लगाया जाता है, इसको बोलते हैं मोनो कल्चर टाइप, जिस जगह में रबर के प्लांट्स लगाते हैं उसी जगह रबर का ही प्लांट्स लगाए जाते हैं, दूसरा प्लांट्स नहीं लगाया जाता, ठीक है। रबर प्लांट्स का ओरिजिन क्या है, अमेजन वैली, जहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रहता है, ठीक है। रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सबसे हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा RR2105 एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लोन होता है, उससे सबसे ज़्यादा रबर का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले इसको डेवलप किया गया था कॉमर्शियली 1975 में, लेकिन आजकल ऐसा हुआ है जो रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोट्टायम में खोला गया, ठीक है, कोट्टायम में रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया खोला गया, जिसमें 10 और नए टाइप का क्लोन बनाया गया है रबर का, ठीक है, रबर प्लांट का 10 नए टाइप के क्लोन्स बनाया गया है। जो क्लोन RR2105 जिससे सबसे ज़्यादा कमर्शियली रबर का उत्पादन होता था, उससे भी 20% ज़्यादा उत्पादन इस क्लोन के द्वारा आजकल किया जा रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रोसेसिंग ऑफ रबर। रबर क्या होता है, प्लांट लैटेक्स, ठीक है, प्लांट से निकलने वाला एक टाइप की लैटेक्स होता है जो कि रबर होता है, ठीक है। रबर के जो प्लांट लैटेक्स जो निकाला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है टैपिंग, ठीक है। जब सुबह सनराइज होता है, सबसे पहले सुबह जब सनराइज होता है उस समय प्लांट्स में टर्गर प्रेशर ज़्यादा रहता है, ठीक है, सेल में टर्गर प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो उस समय वैसल से ज़्यादा स्पीड में रबर निकलता है लेटेक्स, इसलिए जैसे सनराइज होता है उसी समय इसमें चीरा लगा के काम शुरू कर देते हैं, प्रोसेस को शुरू कर दिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा सुबह के समय ही लेटेक्स निकलता है, इसलिए 10 से 12 साल तक कंटिन्यू लेटेक्स निकलता रहता है एक ही जगह के चीरा लगाने से, फिर 10-12 साल बाद दूसरे जगह चीरा लगाया जाता है, ठीक है। तो चीरा किस जगह में लगाएंगे, प्लांट्स का जो मेन स्टेम होता है उसका 3 से 4 फीट ऊपर, 3 से 4 फीट ऊपर की ओर एक वी और वाई शेप का चीरा लगाया जाता है, ठीक है। जिस जगह में स्टेम का चौड़ाई जो है 50 सेंटीमीटर तक कम से कम होना चाहिए, 50 सेंटीमीटर तक होता है, 30 डिग्री एंगल में भी वाई शेप का चीरा लगाया जाता है। और इसका डीप कितने डीप रखता है, 1.5 मिलीमीटर डीप काटा जाता है, ठीक है, जो छिलके को निकाला जाता है वो 1.5 मिलीमीटर डिप्स तक निकाला जाता है, जो कि कैम्बियम को टच करे, क्योंकि हम लोग जानते हैं वेसल्स कहाँ रहते हैं, जाइलम में ही वेसल्स पाया जाता है, तो जाइलम वेसल्स से ही लैटेक्स निकलता है, ठीक है। तो लैटेक्स जो निकलता है वाइट और येलो कलर का होता है, लाइट येलो कलर का लिक्विड निकलता है, उस लिक्विड में 30 से 35% वाटर रहता है, और जब निकालेंगे तब बाहर की ओर उसके आसपास बहुत सारा ऐसे रबर चिपक जाता है, रबर चिपका हुआ पाया जाता है, ठीक है। इस टाइप का जो रबर होता है वो लोअर कैटेगरी रबर बोलते हैं उसको, उससे लोअर कैटेगरी रबर निकाला जाता है, ठीक है। तो जिस जगह से चीरा भी वाई शेप का चीरा लगाएंगे, ठीक उसके नीचे कंटेनर रख देंगे, उस कंटेनर में लैटेक्स गिरता रहता है, ठीक है। तो उस कंटेनर में हाइड्रोजन परोक्साइड और एमोनिया रखा जाता है, जिससे जो भी लिक्विड गिरे इसमें ये ना हो, मतलब जमाव ना हो जाए,
एंटी कोएगुलेंट के रूप में हाइड्रोजन परोक्साइड और एमोनिया को ऐड किया जाता है इसमें, ठीक है, जिससे लिक्विड जो है आपस में जमा ना हो जाए। इसके बाद इस कंटेनर में निकलने के बाद इस कंटेनर के जो रबर रहता है इसको बड़े बड़े छन्नी से छाना जाता है, ठीक है। तो छानने के बाद ये जो लैटेक्स रहता है, इस लैटेक्स में क्या रहेगा, वाटर रहता है, शुगर रहता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट रहता है, प्रोटीन रहता है, ठीक है। और 30-35% वाटर रहने से क्या है, रबर ठीक से नहीं बनेगा, इस वाटर को निकालना ज़रूरी होता है, ठीक है। सबसे पहले इसको छान लिया जाता है, छानने के बाद 24 घंटे बाद क्या करते हैं, एक कोएगुलेंट मिलाया जाता है, ठीक है, जैसे फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब चीज़ों को ऐड किया जाता है। इससे क्या हो जाएगा, फिर जमा हो जाएगा रबर, रबर आपस में जमा हो जाएगा और सॉफ्ट मास ऑफ सॉफ्ट रबर बनेगा, ठीक है, एक रबर का गोला बन जाता है, मास ऑफ रबर। उसके बाद इस रबर को क्या किया जाता है, रोलर से पास किया जाता है, जैसे मेटल रोलर रहता है इस टाइप का, मेटल रोलर से इस रबर को पास किया जाता है। मेटल रोलर से पास करने से क्या हो जाएगा, सीट, रबर की सीट बनती जाएगी, ठीक है, रबर का पतला सीट बनता जाएगा। उस सेप को काट लिया जाता है, कोई भी सेप में सीट को जो जो सेप चाहिए उस सेप में काट लिया जाता है, ठीक है। काटने के बाद क्या करता है, एक हाउस के अंदर इसको टांग दिया जाता है, सब रबर सीट को, और उस हाउस को बोलेंगे हम स्मोक हाउस। स्मोक हाउस मतलब पूरा टेम्परेचर ज़्यादा, 50 डिग्री तक टेम्परेचर रखा जाता है और पूरा धुआं धुआं वाला चेंबर रहता है, उसमें झुला दिया जाता है रबर, ठीक है। जिससे क्या होता है, रबर के अंदर स्मोक हाउस बोलते हैं उसको, ठीक है, एक हफ्ते तक स्मोक हाउस में इस रबर को झुला दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ ट्रीटमेंट किया जाता है मशीन में ट्रीटमेंट करने के बाद फिर उसको ड्राई किया जाता है, ठीक है। अलग अलग टाइप्स का रबर निकाला जाता है, ठीक है, कुछ ड्राई रबर निकालेंगे, कुछ स्मोक हाउस में निकालने के बाद उसको बोलेंगे रॉ रबर। स्मोक हाउस से निकालने के बाद इस रबर को बोला जाता है रॉ रबर। बहुत सारी चीज़ों के लिए रॉ रबर चाहिए, उसके लिए इस रबर को निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको ड्राई किया जाता है, तब उसको क्या बोलेंगे, रबर को क्रीप रबर, ठीक है, क्रीप रबर बोला जाता है। उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा वार्म मतलब गर्म जगह में रखेंगे, ठीक है। गर्म रबर में जगह में रखने के बाद इसको क्या किया जाता है, बहुत सारा लैटेक्स जो है वो कॉन्वर्टेड हो जाता है, लैटेक्स धीरे धीरे रबर जो हार्ड होता जाता है, मतलब वाटर की मात्रा कम होता जाएगा तो ये हार्ड होता जाएगा, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, क्रम्प रबर। 8-10% क्रम्प रबर निकाला जाता है। क्रम्प रबर जो है वो टेक्निकली स्पेशलाइज रबर होता है, टेक्निकली स्पेशलाइज रबर होता है। इस टाइप से रबर का उत्पादन किया जाता है। अब हम देखेंगे सल्फ्यूरेशन और वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, ठीक है। जो रबर, रबर सीट का जो रबर होता है वो कम टेम्परेचर में टूट जाता है, ठीक है। ज़्यादातर रबर जो निकाला जाता है वो कम टेम्परेचर में टूट जाता है, और ज़्यादा टेम्परेचर देने से क्या होता है, इसका इलास्टिसिटी पावर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब इस टाइप का जो रबर होता है वो कॉमर्शियली उतना इम्पोर्टेंस नहीं रहता, इसका यूज़लेस होता है कॉमर्शियली, ठीक है, क्योंकि कम टेम्परेचर में टूट जाएगा, ज़्यादा टेम्परेचर में गल जाएगा। इसीलिए इसमें क्या किया जाता है, सल्फ़र मिलाया जाता है, कुछ कुछ मात्रा में, अलग अलग मात्रा में सल्फ़र इसमें मिक्स किया जाता है, ठीक है। सल्फ़र मिक्स करने का जो प्रोसेस होता है इसी को बोला जाता है वल्केनाइजेशन। सल्फ़र मिक्स करने के बाद जो रबर बनता है उसमें रेजिस्टेंस पावर भी बहुत ज़्यादा होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग देखे हैं कि बहुत सारे जो टायर ट्यूब्स बनता है जितना भी टेम्परेचर में रहे उसमें थोड़ा भी ख़राब नहीं होता है ना, उसको बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ, रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़ता है। ये सब चीज़ें कब बढ़ता है, जब इसको हम वल्केनाइजेशन करेंगे, ठीक है। वल्केनाइजेशन जो है सल्फर के अलावा भी बहुत सारे केमिकल से किया जाता है, जैसे सिलीनियम, कार्बन परोक्साइड, नाइट्रो परोक्साइड, ये सब चीज़ों से भी वल्केनाइजेशन करते हैं, ठीक है। सल्फर से मेन करते हैं लेकिन बहुत सारे अलग केमिकल भी इसके लिए यूज़ किया जाता है। वल्केनाइजेशन को सबसे पहले डिस्कवर किए थे चार्ल्स गुडियर 1839 में, ठीक है। इस टाइप से रबर जो है वो कंप्लीट हो जाता है।